कोरोना संकट के बीच बेरोजगारों को अब ज़्यादा दिन तक सरकारी नौकरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षकों के बैचवार भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया उपनिदेशक कार्यालय ऊना में शुरू कर दी गई है। शिक्षकों के पदों को भरने के लिए की जा रही बैच वाइज काउंसलिंग 3 सदस्य टीम कर रही है। यह टीम शिक्षा निदेशालय ने गठित की है। इस क्रम में पिछले कल भी 151 लोगों ने TGT आर्ट्स में काउंसलिंग करवाई है। आज भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि बेरोजगार शिक्षकों की बैच वाइज काउंसलिंग 5 से 7 अक्टूबर तक होगी। मंगलवार यानी 6 अक्टूबर को TGT साइंस के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी, जबकि 7 अक्टूबर को भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए तीनों संकाय के लिए काउंसलिंग होगी। 3 सदस्य कमेटी के अध्यक्ष उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा देवेंद्र चंदेल हैं, जबकि प्रधानाचार्य नरेश सैनी व मुख्य अध्यापक पवन शर्मा इस कमेटी के सदस्य हैं। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों का डाटा तैयार करके निदेशालय को भेज दिया जाएगा। आज TGT नॉन मेडिकल और TGT मेडिकल की इंटरव्यू हो रही है, जिसमें TGT नॉन मेडिकल के 145 कैंडिडेट्स और TGT मेडिकल के 85, इनकी आज स्क्रीनिंग होनी है। इनके हम स्क्रीनिंग करने के बाद इसको डायरेक्टरेट शिमला के लिए भेजेंगे और वहाँ पर इनकी लिस्ट जो है वो फाइनलाइज है। सर, ये किस आधार पे इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं? सर, ये बैच वाइज आधार पर इनको रखा जा रहा है। इनकी जो स्क्रीनिंग है वो भी बैच वाइज बेसिस पर ही की जा रही है। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की विशेष रिपोर्ट।